नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड 3 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं। पहले में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आईपीओ के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था आईपीओ एलोकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। और तीसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब होता है, यानी कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एलोकेशन पाने का क्या कोई और बेहतर तरीका, टिप या ट्रिक है क्या। इन तीनों वीडियोज़ के लिंक एक बार फिर से मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज जो चौथा वीडियो है इसी सीरीज में, उसमें हम बात करने वाले हैं कि आईपीओ एलोकेशन के बाद हमें मिला है या नहीं मिला है, उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ जब भी कोई एलोकेट होता है तो हमारे मोबाइल नंबर पर वैसे भी मैसेज आ जाता है कि आपको एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपके डीमैट अकाउंट के अंदर उसके आईपीओ जो है, शेयर्स है, वो रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं, तो हम वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इस प्रोसेस में एसएमएस और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर कंपनी ने आईपीओ एलोकेट किया है, उसके बाद हाथों हाथ हम चेक करना चाहते हैं एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका भी एक तरीका है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी जो आईपीओ जारी करती है, तो वो आईपीओ जारी करने के लिए कोई भी एक रजिस्ट्रार कंपनी जो है उसको अपॉइंट करती है। ये एक सेपरेट कंपनी होती है। तो आप देखोगे कि जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक रजिस्ट्रार कंपनी का नाम भी लिखा होता है। भारत के अंदर 2 टॉप रजिस्ट्रार कंपनीज है, उनका नाम है, एक का है LinkedIn और दूसरे का नाम है कार्वे। तो ये कंपनी को हेल्प करते हैं आईपीओ एलोकेशन के अंदर। तो क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी जो है वो आईपीओ ओपन करती है, जब सारे आईपीओ के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो जो भी कंसर्न्ड रजिस्ट्रार कंपनी है वो उनमें से इनवैलिड एंट्रीज है उनको हटा देती है, जो वैलिड एंट्रीज है उनमें लॉटरी के माध्यम से आईपीओ एलोकेट करती है, जो लोगों को एलोकेट नहीं हुआ है उन्हें रिफंड करने का प्रोसेस इनिशिएट करती है, और इसी कंसर्न्ड रिलेटेड जो रजिस्ट्रार कंपनी है उसकी वेबसाइट पे आईपीओ के एलोकेशन की डिटेल भी हाथों हाथ आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इन 2 वेबसाइट्स पर आपके आईपीओ एलोकेशन की डिटेल कैसे जाने। तो देखिए, मैंने ये गूगल में लिख दिया है, चेक आईपीओ एलोकेशन स्टेटस ऑनलाइन। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये वेबसाइट है LinkedIn, इसका यहाँ पर लिंक है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और दूसरा जो लिंक है वो है ये कॉरपोरेट रजिस्ट्री सर्विसेज कार्वे। ये दोनों भारत के टॉप रजिस्ट्रार कंपनीज है। यहाँ पर देखिए LinkedIn का लिंक आ गया है। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन, ये मेन्यू है, यहाँ पर जाएंगे कि बहुत सारे IPOs के नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो IPOs हैं जिनके लिए LinkedIn ने रजिस्ट्रार का काम किया था। तो दोस्तों आप जिस भी IPO का एलोकेशन स्टेटस देखना चाहते हैं, अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फिर आप या तो पैन कार्ड नंबर दे दीजिए अपना, या आपने IPO के लिए जब अप्लाई किया था तो एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा वो एंटर कर दीजिए, या आप अपना जो भी DP ID या क्लाइंट ID है वो एंटर कर देंगे। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एंटर कीजिए, सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपको मिला है या नहीं मिला है। ये एलोकेशन के बाद हाथों हाथ इसकी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ IPOs नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए कोई दूसरा रजिस्ट्रार है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये कार्वे वाला ही होगा। तो यहाँ पर आप जाइए, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप IPO सेलेक्ट कीजिए, बहुत सारे IPOs यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। और फिर यहाँ पर सेम एप्लीकेशन ID, DP ID, पैन कार्ड ये डालना पड़ेगा, फिर आप अपनी डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे एक IPO जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, हालांकि वो मुझे मिला नहीं है, तो मैं उसकी डिटेल, ये मैंने कैपेसाइट का IPO है उसके लिए अप्लाई किया था, मैं पैन कार्ड के माध्यम से इसे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर गए, ये मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया, ये जो कैप्चा है ये डालना पड़ेगा, ये कैप्चा एक्सपायर हो गया है तो मुझे वापस से डालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सॉरी यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी शेयर्स अगेंस्ट योर एप्लीकेशन।
तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर भी दे देगा, कितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, कितने आपको अलॉट हुए हैं, मैंने 60 के लिए अप्लाई किया था, 0 मिले हैं, तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई जानकारी कि आईपीओ के अलोकेशन के बाद हाथों हाथ जो भी रिलेटेड रजिस्ट्रार कंपनी है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप आईपीओ अलोकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये जो दोनों वेबसाइट है रजिस्ट्रार कंपनीज़ की, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो सिंपल सिंपल वीडियोज़ है उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।